नमस्कार दोस्तों, ओलंपिक अपडेट के साथ हम पुनः हाजिर हैं। जहां दोस्तों अभी कई अभी पदक आपकी झोली में, जहां देश की झोली में आने वाला है। ओलंपिक अपडेट में हम आप सीधे चल रहे हैं। ओलंपिक महिला हॉकी ने क्या कुछ कमाल किया है, जहां वंदना कटारे की शानदार हैट्रिक के दम पर भारतीय महिला हॉकी टीम आज खेल गए अपने अंतिम ग्रुप मैच में। दक्षिण अफ्रीका को 4-3 से हराकर नॉकआउट में पहुंचने की उम्मीदों को कायम रखा है। वंदना ने भारत के लिए 14वें 17वें या 49वें मिनट में गोल किए। भारत के लिए 14 गोल नेहा ने 32वें मिनट में किया। ग्रुप ए में दक्षिण अफ्रीका की लगातार 5वीं हार है। भारत को 5 मैच में दूसरी जीत मिली है। शुरुआती 3 मुकाबले गंवाने के बाद भारत ने 2 मैच जीते हैं। अब भारत को ब्रिटेन और आयरलैंड के बीच होने वाले मुकाबले का इंतजार है। ब्रिटेन के हाथों आयरलैंड की हार भारत को आगे ले जाएगी, और अगर भारत और अगर आयरलैंड जीत जाता है तो भारत बाहर हो जाएगा, क्योंकि तब आयरलैंड अंकों के मामले में भारत की बराबरी पर आ जाएगा और गोल डिफरेंस के मुकाबले में आगे निकल जाएगा। प्रत्येक ग्रुप से 4-4 टीमों की नॉक आउट में जाना है। अभी भारत के 5 मैचों में 6 अंक है और गोल डिफरेंस 7 है। इस ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और ब्रिटेन पहले ही नॉकआउट में पहुंच चुके हैं। 1 स्थान बचा है, जिसके लिए भारत को आयरलैंड के बीच घमासान है। बहरहाल मैच का पहला गोल भारत की वंदना ने 4वें मिनट में किया। उत्तराखंड निवासी वंदना ने एक बेहतरीन फील्ड गोल के माध्यम से भारत को 1-0 से आगे किया। दक्षिण अफ्रीका टीम ने वापसी के लिए जोर लगाया, उसे 15वें मिनट में सफलता भी मिल गई। टेरिन क्रिस्टी ग्लेसवाई ने एक बेहतरीन फील्ड गोल के माध्यम से स्कोर 1-1 कर दिया। इसके 2 मिनट बाद वंदना ने एक और गोल कर भारत को 2-1 से आगे कर दिया। वंदना ने यह गोल पेनाल्टी कॉर्नर से किया। 30वें मिनट में कप्तान एरिन हंटर ने पेनाल्टी कॉर्नर गोल कर फिर से स्कोर 2-2 कर दिया। इसके 2 मिनट बाद नेहा ने पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल कर भारत को 3-2 से लीड दिला दी। लेकिन 39वें मिनट में जॉन मैरिस की एक शानदार फील्ड गोल के जरिए फिर से स्कोर 3-3 हो गया। भारत के आगे जाने के लिए इस मैच में हर हाल जीत की जरूरत थी, और साथ ही यह प्रार्थना करना है कि आयरलैंड की टीम ब्रिटेन से हार जाए। ऐसे में भारतीय टीम खूब जोर लगा रही है। वंदना एक बार फिर अपना क्लास दिखाया और 49वें मिनट में पेनाल्टी कॉर्नर पर गोल कर भारत को एक बार फिर 4-3 से आगे कर दिया। भारत के इस स्कोर को बचाने में सफल रहा और साथ ही आगे जाने की संभावनाओं को भी जिंदा रखा। जी हां दोस्तों, आप समझ गए कितना रोमांचकारी रहा मैच, जहां भारत 1 गोल करा, दक्षिण अफ्रीका भी 1 गोल, फिर 2 गोल और दक्षिण अफ्रीका दूसरे गोल, फिर तीसरा गोल, फिर दक्षिण अफ्रीका तीसरा गोल। लेकिन इस बार वंदना तैयार थी और 4वां गोल करने के बाद फिर से डिफेंस को अपने मजबूत करते हुए भारत ने अपना डिफेंस बचाए रखा और 4-3 से नॉकआउट में पहुंचने का उम्मीद जारी है। जी हां दोस्तों, तो निश्चित तौर पर अभी कई गोल आने हैं, जिसमें कई पदक आने हैं, जिसमें हो सकता है आपके पास गोल। इसमें हम आपको दिखा रहे कौर, कमलजीत कौर ने शानदार प्रदर्शन किया है। वहीं आपको बॉक्सिंग में आएगा और सिंधु, जी आप देख सकते हैं सिंधु भी आपके लिए मेडल लेके आएंगे। लेकिन अभी जो चर्चा है हॉकी की, महिला हॉकी की, पुरुष हॉकी भी शानदार प्रदर्शन कर रहा है, तो बने रहिएगा हमारे साथ, हम भी आपके साथ ओलंपिक अपडेट को लेकर हाजिर होंगे। नमस्कार।